Assalamu alaikum. Students, we are on our first chapter. We have just completed our first chapter of science from this book, right? And now we are going into the comprehension part. In this chapter, we discussed about the body parts, parts of the plant, parts of body of animals. Then we discussed about their life cycles. Now let's discuss, let's do some activities. So our first activity is answer the following questions. Which part of a plant helps it collect food from the soil? So what do you think? Kaun sa part of the plant hai which helps it collect food from the soil? Yes, the roots of the plant help. The roots of the plant help it, help a plant collect food from the soil. ठीक है जी, ये आपने अब अपनी कॉपी में लिखना है, ये अब आपका काम है. नंबर टू, फ्रूट्स आर मेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्रूट प्लांट के कौन से पार्ट से बनते हैं, सोचिए. यस, गुड. फ्रूट्स आर मेड फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्रूट्स आर मेड फ्रॉम द फ्लावर्स. अब ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपने काम करना है. नंबर थ्री, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अ टेल. आप क्या समझते हैं, आपने बहुत सारे यूजेस सुने थे टेल के, क्या क्या थे वो भला? कुछ एनिमल्स विच रैप अपने पास रैप कर लेते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे. विच एनिमल इज दैट? स्क्वर्ल, राइट. सो दे यूज इट एज अ ब्लैंकेट. टेल इज यूज एज अ ब्लैंकेट. अच्छा, डियर्स क्या करते हैं? वो अपनी दुम को खड़ा कर लेते हैं. क्यों करते हैं? दे यूज देयर टेल टू वॉर्न अदर पीपल. अच्छा, बीवर क्या करता है? उसकी दुम की खास बात क्या होती है? बिल्कुल स्पून की तरह चपटी, शवल जैसे होता है ना, शवल मिट्टी उठाने वाला, वैसी होती है. उससे वो क्या करता है? दे यूज इट टू बिल्ड हाउसेस. वेरी गुड. अच्छा जी, एंड काउस, हाउ दे मूव फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम देयर बॉडी? यस, विद देयर टेल. दे यूज देयर टेल टू स्केयर द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मूव अवे दीज इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. इंटरेस्टिंग, राइट. तो अब आपको जो भी इनमें से इंटरेस्टिंग लगे ना, टेल का यूज़ एक या दो या तीन, वो अब आप अपनी कॉपी में लिखें. नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ पोलर बेयर एंड अ क्रोकोडाइल. तो पोलर बेयर की टेल में और क्रोकोडाइल की टेल में क्या फ़र्क होता है? पोलर बेयर की टेल सोचें कैसी होती है. ये रहा पोलर बेयर, ये रही उसकी टेल, और ये रहा क्रोकोडाइल, और ये रही उसकी टेल. बहुत मेजर डिफरेंस है ना. ज़रा देखिए क्रोकोडाइल अपनी टेल को कैसे यूज़ कर लेता है. तो अब आपने सोचना, यू गोइंग टू थिंक एंड राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टेल ऑफ अ क्रोकोडाइल एंड टेल ऑफ अ पोलर बेयर. नाउ वी गो ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी. थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस. What new did you read in this chapter? Write 5 to 10 sentences to explain. क्या क्या आपने इस चैप्टर में नया सुना, नया देखा? ज़रा सोचिए, इस चैप्टर में आपने क्या क्या नई बातें सुनी हैं लाइफ साइकिल के बारे में. और देखते हैं इस चैप्टर में आपने क्या क्या नया सीखा. एक तो लाइफ साइकिल था, आपने एम्फीबियंस के बारे में भी सुना, आपने प्लांट्स का लाइफ साइकिल भी सुना, आपने ये भी सुना कि प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. एंड यू ऑल्सो लर्न दैट हाउ फ्रूट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम फ्लावर्स. और आपने ये भी सुना, आपने ये भी जाना कि बास फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, बास के अंदर बहुत कम होते हैं. अच्छा, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग जो था ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स था, और उसमें टेल का यूज़ था कि टेल किस तरह एनिमल्स यूज़ करते हैं, बॉडी कवर, जो एनिमल्स की बॉडी कवर होती है,
ठीक है. तो नाउ यू गोइंग टू राइट इन योर कॉपी सम न्यू थिंग्स दैट यू लर्नड इन दिस चैप्टर. ये आपने काम करना है. What basic scientific knowledge did you gain from this chapter? चलिए अगर ये जो इतनी सारी बातें आपने सीखी हैं इनमें से बेसिक बात आपने क्या सीखी है जो आप कहते हैं अच्छा तो ये बात होती है ये बात है ये जो खास बात मुझे पता चली है ना ये तो बहुत आम है. वो प्लांट्स के बारे में भी हो सकती है यानी उनके पार्ट्स के बारे में भी और उनके साइकिल के बारे में भी. वो बात एनिमल्स के बारे में भी हो सकती है उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में भी या उनके लाइफ साइकिल के बारे में भी. वो एम्फीबियंस के बारे में भी हो सकती है. तो बेसिक साइंटिफिक बात आपको क्या पता चली है इस चैप्टर में से राइट दैट डाउन. ये जो भी आपको लगे वो आपने लिखना है और फिर अपने टीचर को बताना है. डिस्कस एन आंसर. विच प्लांट्स आर मोर इन योर एरिया डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लांट्स. अब ये आपने रिसर्च करनी है. अब आप घर से निकलें और आसपास देखें कि कौन सा प्लांट आपके इलाके में ज़्यादा है. जो तीन सबसे ज़्यादा कॉमन प्लांट्स हैं ना वो आप ले आएँ और घर वालों से या नेबर से या किसी ऐसे बंदे को फर्ज जिसको एनिमल्स का पता हो अब प्लांट्स का पता हो उससे पूछें कि ये क्या प्लांट है और क्या इसका कोई फ़ायदा है क्या इस पर फ्लावर आता है क्या इस पर फ्रूट लगता है ये किस सीज़न में होता है. तो अब आपने उसकी तस्वीर या तो खींचनी है या बनानी है अपनी कॉपी के अंदर. विच एनिमल्स आर मोर कॉमन इन योर एरिया डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनिमल्स. इसी तरह आपने एनिमल्स के बारे में देखना है कि कौन सा एनिमल जो है वो कॉमन है आपके एरिया में और फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कैसी है उसकी बॉडी दांत कैसे हैं उसके हर्बीवोरस है कॉर्निवोरस है ओमनिवोरस है. फिर आपने अब जो सबसे मज़े का काम करना है ना वो ये है कि आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस खुद बनाने हैं. व्हाई इट्स लाइक दिस व्हाट वुड हैपन हाउ वेयर. तो ये हाउ व्हाट वेयर करके आपने तीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाने हैं ठीक है जी इस चैप्टर में से. ये अब आपकी एक्टिविटी है. व्हाई बेबी चिक्स आर येलो. बेबी चिक्स येलो क्यों होते हैं. Why amphibians give babies in water? How birds learn to fly? तो ये how, what, why, where के आपने तीन questions बनाने हैं जो ये chapters पढ़ के आपके mind में आ रहे हैं. चलिए जब आप ये सारे काम कीजिए ठीक है और फिर आपकी teacher आपका ये काम check करेंगी. अल्लाह हाफ़िज़.